लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मम्मी पैसे तो हैं आपके पास, मुझे नहीं पता, मुझे नए जूते लेके दो। बेटा ये तो बाबा जी के पैसे हैं। बाबा जी ने थोड़े जूते लेने हैं। बेटा ये जरूरतमंद के लिए है, अगर हम बाबा जी को देंगे तभी तो बाबा जी उन्हें देंगे जिन्हें इनकी जरूरत है ना? बस तू एक महीना रुक जा, अगले महीने पक्का अपनी गुड़िया को ला कर दूंगी। ना सही, बाबा जी अपने आप अपने पैसों से ले देंगे। ठीक है, आजा जल्दी। गुरमुख सिंह जी, मेरा नाम अजीत सिंह है, मुझे मेरे पिताजी ज्ञानी सेवा सिंह जी ने भेजा है, उन तक कुछ जरूरी सामान पहुंचाना था। भाई साहब उनको तो 6 महीने हो गए स्वर्ग से धारे हुए, उनके भतीजे दिलबाग सिंह गुरुघर को संभाल रहे हैं, आप ऐसा करो उन्हें जाकर मिल लो। वो कहाँ मिलेंगे? ये मेरे, ये गुरुजी के, ये मेरे हैं, ये गुरुजी के हैं। हाँ, ये क्या है भाई? पिछले महीने 2.5 लाख, इस महीने बस 1.25 लाख। लोगों की श्रद्धा कम होती जा रही है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? भाई लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ाओ, नहीं तो पाठ रखने का काम बढ़ाओ। कम से कम 3 लाख एवरेज निकालो महीने की, तब बात बनेगी। ऐसे कैसे मजा आएगा है? चलो जाओ अब। हमारी पग है। अरे क्या कर रहे हो? अरे सरदार जी नीचे गिरा के सब गंदी कर दी। कोई अच्छी सी पग दिखाओ, मैं कौन सा पहली बार आई हूँ, जब भी इंडिया आती हूँ आप ही से लेकर जाती हूँ सारी पग। कोई बात नहीं बहन जी, अब ये वाली पग देखो आप। ये दिखा। अरे ये तो बहन जी पुराने बचे हुए पीस हैं, गोदाम से लड़का लेके आया। नहीं ये सुंदर है और अच्छी भी है, रंग भी सुंदर है, ये जचेगा मेरे बेटे लवली पर, यही दे दो। ठीक है बहन जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सस्रीय काल संत जी। सस्रीय काल। ना 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 सरपंच जी, ऐसा ना करो, हमें सिर्फ वाहे गुरु के चरणों में ही झुकना चाहिए। मैं तो खुद उनका दास हूं और दास के सामने माथा नहीं झुकाना चाहिए, हुकुम देना चाहिए। आ जाओ जी, आ जाओ काका जी। आया संजी। तू ही मेरा मालिक, तू ही सब कुछ है। बोलो सरपंच साहब क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है संत जी, इस बार तो फसल से खाने लायक दाने भी नहीं बचे। इसमें चिंता वाली क्या बात है सरपंच साहब, दाने तो वाहेगुरु ने ही देने हैं, इस हाथ से दो और इस हाथ से दो। लाओ जी लाओ, वाहेगुरु वाहेगुरु, लाओ जी, रब भला करेगा वाहेगुरु। काका जी। जी संजी। अगली फसल तक इनके गांव में अनाज डेरे से जाएगी, वाहे गुरु। बहुत बहुत मेहरबानी संत जी, आप तो भगवान का रूप हो हम गरीबों के लिए। वाहे गुरु वाहे गुरु। संत जी संगत का टाइम हो गया, सब आ गए हैं। ठीक है जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। अच्छा सरपंच साहब, दास को हुक्म मिल गया है, मानना तो पड़ेगा ही, लंगर खा के जाना जी। वाहे गुरु वाहे गुरु।
वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। सभी से हाथ जोड़कर विनती की जा रही है, सब अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। संजी अभी आ रहे हैं। सबको हाथ जोड़ के विनती की जा रही है, सब आराम से बैठ जाएं। बहन जी, यहाँ पग भी चढ़ाई जाती हैं? नहीं नहीं बहन जी, ये तो मैं अपने बेटे के लिए लेकर जाती हूँ, संत जी के हाथ लगवा कर। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी कि आपका बेटा पग बांधता है, हमारे तो दोनों ही मोने हैं। सब संत जी की कृपा है बहन जी, 8 साल हो गए हैं कनाडा गए हुए, मेरे बेटे को जरा सी भी हवा नहीं लगी। कनाडा? हाँ जी कनाडा। बहन जी बधाई हो आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। बहन जी, लड़के मेरे बेशक मोने हैं, पर मेरी लड़की बहुत शरीफ है। अच्छा। नर्सिंग कर रही है, सिर अच्छा। से चुन्नी मजाल है उतर जाए, और मुंह में तो जुबान ही नहीं है, उससे ज्यादा तो हमारी कट्टी बोल लेती है। बहन जी शादी तो ना हमने यही करनी है। हाँ। पर अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। वैसे मेरा लड़का भी ना बहुत ही शरीफ है, बहुत भोला है, हर वक्त किताबों हाँ। में ही घुसा रहता है। हाँ जी। आज तो गया तेरा लवली बेटा मम्मी। गोरियां तो दूर की बात है, वो तो लड़कियों को भी नहीं देखता। वाह भाई, एक तो बिल्कुल मैगी, दूसरी सो क्यूट। संभल के चलना जी, चक्कर खा के ना गिर जाना, कहीं केस ना करवा देना मेरे पे। दारू पानी को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, पास ही नहीं जाता उसके। 10 bottles of whiskey, bro. Okay, what brand? अरे कोई भी दे दे यार, कौन सा मैंने पीनी है, ये तो देसी के लिए है, और देसी तो देखकर ही टल्ली हो जाते हैं, तू ब्रांड पूछ रहा है। चल छोड़ यार, दो अंग्रेजों में देसियों का क्या काम। एक शैंपेन की बोतल ही दे दे मेरे और कैथी के लिए, हम तो पूरे गोरे ही है ना। वो मेरी मेम और मैं उसका मेमड़ा। You better know, bro. हाय, मेरे बिना तो उसका बिल्कुल दिल ही नहीं लगता, मेरा प्यारा लवली। शुक्र है, और शुक्र है माता पंजाब गई, इतना किस्मत वाला हूँ मैं। कैथी, कुछ नहीं, बस तू अब जल्दी आ जा, मुझे ना तेरे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। हाय, तेरे गोल मटोल गाल करता है, फटाक से खा जाऊं तुझे। आ, सो स्वीट। ऐसे ना देख मुझे। Oh, whoa, what you doing, bro? दिखा दिया ना देसी वाले लक्षण, 2 मिनट नहीं रुका गया तुम लोगों से, 2 मिनट। नीचे रख प्लेट। 2 मिनट? अरे 5 घंटे हो चुके, खुद तो गोरियों के सपने देख रहा है और हमें यहाँ मुर्गा बनाया है। सपने में ऐसा कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अगर मेरी गोरी के साथ शादी हो गई तो बल्ले बल्ले किसकी होगी। अरे बोलो यार, किसकी होगी? वैसे अगर चिकन होता तो मैं सोच सकता था, लेकिन ये साली कड़ी यार, कड़ी के पीछे तो मेरी दोस्ती भूल के ग्रीडी डॉगी। ओ यार सैम, शादी तो तूने करवानी है, बराती तो खाना खाने आते ही हैं, अब वो भी ना करे। गोरो की शादियां देखे कभी है? बराती वेट करते खाने से पहले जोड़ी की, तुम लोगों की तरह नहीं कि भाई जी ने अपनी पहली बाणी पड़ी और जनता दाल मखनी खा के चटकी हुई प्लेटों में कसाटा आइसक्रीम चौथी बारी खा रही होती है, और तुम्हारी भाभी के खाने के बाद जो बचेगा वो तुम लोगों ने तो खाना है बेवकूफों। और बस यार, हम कोई लश्कारा ग्रुप वाले थोड़े ही है, हम नहीं नाचेंगे उसके आने पर। अच्छा तुम नहीं नाचोगे, वैसे तो तुम दारू पी के लड़ते फिरोगे सड़कों पे, आज जरूरत है तो नाचोगे नहीं, और तुम्हारे स्टाइल की वजह से तो बुलाया है, नहीं तो क्या तुमसे रिश्ता जोड़ना है? जग्गा जी अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी भाभी के देवर तो बन नहीं पाओगे। अरे कैथी आ गई, ये डाल ले मेरे यार, जैसे ही मैं डोर ओपन करूँ ना तू लुड्डी शुरू कर दियो लुड्डी। हाँ, ओके, आ जाओ मेरे यारो। ओ यार देख तो लो, मॉन्ट्रियल से फ्लाइट आई है कि फत्तू डिंगे से गड्ढा। ए चीची, चलो भागो यहाँ से। डड माजरे वालों के पास फत्तू डिंगे से गड्ढे ही आते हैं, मॉन्ट्रियल वाले नहीं पूछेंगे तुझे। पूछेंगे पूछेंगे भोलू काके, एक बार मुझे उनका जमाई बनने दे। क्या जमाई? गोरे हैं वो लोग, शादी में भी ना बुलाए तेरे जैसों को, डड माजरे की पैदाइश। चल। ओ हेलो,
8 साल हो गए मुझे मॉन्ट्रियल में रहते हुए। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मैं 90% गोरा हूं। अगर मैं फुकरापंती करूं तो बात ही कुछ और है। नाम बदलने से ना इंसान नहीं बदल जाता। तू जितना मर्जी सैम सैम कर ले, रहना तो तूने डड माजरे का सज्जन सिंह ही है ना। तुझे कितनी बार कहा है मुझे सन पर नाम से मत बुलाया कर। अगर हम पंजाब में इकट्ठे पढ़ते थे इसका मतलब ये नहीं तो मुझे ऐसे बुलाएगी। सुन, एक तो मैं अंग्रेज हूँ, ऊपर से मैं सैम हूँ। ओके, प्रॉपर एजुकेटेड इंग्लिश नेम सैम। ओ हेलो मिस्टर एजुकेटेड, पिछले साल तक ना बेल्जियम को बलगम पड़ता होता था, मुश्किल से मैंने ठीक करवाया। बड़ा अंग्रेज। माना की पहली का किला और अंग्रेजी की लाइन जट लोगों को मुश्किल से समझ में आती है, पर अब तो वक्त बदल गया। तो मैं बोलने लगू तो 50 किले जितनी अंग्रेजी एक सांस में बोल देता हूँ। डोंट यू मेस विद मी फतू डिंगे। तभी तो तू यार, तुझे बुलाया किसने? तू आई क्यों है? मैंने बुलाया तुझे। ओ कमीने, तो मैं तुझे बुलाती हूँ जब देर सवेरा आकर खड़ा हो जाता है मेरे घर। मैं कहती हूँ क्या मैसेज करूँ, मैं उसे कैसे मनाऊँ, असाइनमेंट कैसे करूँ। मुझे पता लगा पार्टियां आ गई खाने पीने। यार तू जा यहाँ से, कैथी आने वाली है। हा, हा, हा। आज तक आई है जो अब आ जाएगी। तू पहले ये बता खाने के लिए क्या ऑर्डर किया, मुझे बहुत भूख लगी है। यार मैंने लंगर लगाया हुआ है क्या यहाँ पे? वाह भाई, लंगर से भी ज्यादा स्वाद था खाने का तो। अगली बार पार्टी वार्टी रखी ना बुला लेना, शर्माना मत। बाय ट्विंकल। बाय गाइस। अच्छा निकलते हैं। तुम गाँव वालों को ना मैं अपने मरने पे भी ना बुलाऊं। दफा हो जाए यहाँ से। फतू डिंगे, यार फतू डिंगे, तूने पकोड़े तो लिए नहीं यार, तेरे लिए स्पेशल बनवाए हैं पता है। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बर्तन नहीं मांजूंगी। जो मेरी कार में मालकिन बनके घूमती है तब टेक मी हेयर ना सैम, टेक मी देयर ना सैम। एक नंबर की स्वार्थी औरत, सारे पकोड़े खा गई कड़ी में से यार। एक खबड़ा कराटा मार के नाक तोड़ दूंगी। यार पकोड़ा ही है। ग्रीडी डॉगनी। हेलो, हाँ जी आंटी जी, हाँ ठीक है जी, ओके। ओ क्या हुआ? मेरी बात सुन फतू डिंगे, मेरे आने तक बर्तन साफ कर दियो। कुत्ते, धोखेबाज, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। प्लीज। नहीं। प्लीज यार। नहीं। यार तू तो मेरी फ्रेंड है ना? नहीं। चुड़ैल, बेवकूफ, खसमानुखानी फ्रेंड। यार ये चीटिंग है, तू इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। थैंक यू सो मच फतू डिंगे। अच्छा बात सुन, सफाई कर दियो, कल मम्मी ने आ जाना है। ओके बाय। मर जा, तुझे प्लेग हो जाए बंदर कहीं का। हाय नहीं, प्लेग तो ना ही हो, कोई और बड़ा रोग लग जाए इसे जो इसकी वजह से मुझे लगा है। हाँ करो साफ सफाई।